एक बार फिर जापान का फुकुशिमा तेज भूकंप के झटकों से दहल गया। आज सुबह करीब 6 बजे यहाँ भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। वह भूकंप के बाद फुकुशिमा में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। 5 साल बाद भूकंप के तेज झटकों से फिर थर्राया जापान का फुकुशिमा। तेज भूकंप के बाद फुकुशिमा में सुनामी ने दी दस्तक। क्या फुकुशिमा पर फिर मंडरा रहा है कोई बड़ा संकट? आपको 5 साल पहले जापान के फुकुशिमा में आए तूफान की भयानक तस्वीरें याद होंगी, जब रिक्टर पैमाने पर 9 की तीव्रता से आए भूकंप ने फुकुशिमा में कहर बरपाया था। इस विनाशकारी भूकंप ने 18,000 से ज्यादा लोगों को या तो मौत की गहरी नींद सुला दिया या फिर हमेशा हमेशा के लिए गुमनाम कर दिया। 5 साल पहले 2011 में जिस तरह से फुकुशिमा हिला था, कुछ ऐसे ही तेज भूकंप ने आज फिर जापान को दहशत में डाल दिया। आज सुबह स्थानीय समय के अनुसार करीब 6 बजे 6.9 की तीव्रता वाले तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र फुकुशिमा से 70 किलोमीटर दूर जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था, जिसके बाद डरे सहमे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों के जहन में 5 साल पहले हुई तबाही की वो तस्वीरें फिर जिंदा हो गईं, जिसमें उन्होंने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। वहीं इस जलजले के बाद भी एक बार फिर सुनामी ने दस्तक दी है। जापान मीटियोरोलॉजिकल एजेंसी के अनुसार समुद्र में 1.9 मीटर तक लहरें उठी हैं, जो 4.5 फुट ऊंची थी, जिसमें 6 लोगों के घायल होने की खबर है। वैसे यहां चिंता की बात ये है कि सुनामी की ऊंची उठी लहरों ने फुकुशिमा स्थित परमाणु संयंत्र को भी नुकसान पहुंचाया है। जापान में कैबिनेट के मुख्य सचिव योशीहिदे सुगा ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए बताया कि संयंत्र के तीसरे रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। यहां आपको बता दें कि 2011 में भी भूकंप के बाद आई सुनामी ने परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुंचाया था। संयंत्र से हुए विकिरण रिसाव के कारण आग लग गई थी और कई हिस्से तबाह हो गए थे, जिसके बाद देश के सभी न्यूक्लियर प्लांट बंद कर दिए गए थे और फुकुशिमा प्लांट में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया था। तो जापान के फुकुशिमा में एक बार फिर सुनामी की चेतावनी जारी हो चुकी है। हालांकि एहतियात के तौर पर तटीय इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम जारी है। देखते रहिए डीबी लाइव।